लोगों का पढ़ाई का सवाल है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिदिन विद्यार्थी को सूर्य भगवान का अर्घ देना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। जो माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करता है तो आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ जाता है। इसलिए पढ़ाई करने वाले प्रत्येक छात्र को जो है माता पिता गुरु को प्रणाम करके प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ दे करके अध्ययन पर बैठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और रात्रि देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसे जो है विद्यार्थी सफलता पा जाते हैं और उनको पढ़ना खूब चाहिए। कम से कम 8 घंटे से 11 घंटे विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो है प्रथमे न अर्जितम विद्याम द्वितीयम न अर्जितम धनम। प्रथम अवस्था में जो जितनी विद्या को पढ़ लेता है उसकी वह विद्या संपूर्ण जीवन भर उस विद्यार्थी को काम आती है। तो पढ़ाई में मन उचट रहा तो इसका कारण आपका चलचित्र देखना और मूवी आल हो सकता है, उनसे बचना चाहिए। और बोलो गुरुदेव, कुछ लोग रोष भी व्यक्त कर रहे हैं, गुरुदेव आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? भाई देखो, बुरा मत मानिए, क्षमा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोड रहता है, ज़िंदगी है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे तब तक बात करेंगे और बिल्कुल करेंगे। आप नाराज़ मत हो, परेशान मत हो, हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि खूब बात होगी। तब तक भगवत भजन करो आप। ममता पांडे जी, आपने राम सलाका प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि कार्य सिद्ध होगा आया है, तो क्या कार्य सिद्ध होगा? अगर आपकी कार्य के प्रति दृढ़ निष्ठा होगी और कार्य को करने का अंदर जुनून होगा और प्रभु की भक्ति होगी तो निश्चित वह कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि रामचरित मानस मिथ्या नहीं है। घनश्याम नामदेव जी, आपको खूब खूब आशीर्वाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपकी जय हो। सचिन सिंह राजपूत जी, आप कैसी उल्टी बात करते हैं, आप एक बार बात की कह रहे हो, हम जीवन भर आपसे बात करेंगे, आप चिंता मत करो, आशीर्वाद है। आशा, आपने पूछा है कि जन्म का उद्देश्य क्या है, आप अपने जन्म का उद्देश्य खुद ढूंढिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम आपके जन्म का उद्देश्य बताएंगे तो मिथ्या बताएंगे, आप स्वयं अपने जन्म का उद्देश्य ढूंढें तो बहुत अच्छा है। वैसे अगर हमसे कोई पूछे तो भगवत भक्ति ही प्रत्येक जीव का जन्म का उद्देश्य है, सनातन का प्रचार करना ही प्रत्येक व्यक्ति का जन्म का उद्देश्य है। तो इसके लिए जरूरी नहीं तुम बाबा बनो, कोई भी नौकरी, कर्तव्य, व्यापार, बिजनेस आदि गृहस्थ जीवन को पा करके आप वहां से भी यह सनातन संस्कृति और भगवत भजन कर सकते हो। आकाश वर्मा जी, हम बहुत जल्दी लखनऊ आएंगे, आप चिंता मत करो। गुरुदेव, ये प्रिया सिंह है, ये कह रही है गुरुदेव मंदिर में जाकर आंखें बंद कर मन एकाग्र करने के बाद पूजन करती हूँ, लेकिन मन नहीं लगता, मन क्यों भटकता है, उसको एकाग्र कैसे? मन को एकाग्र करने के लिए मन को स्वतंत्र छोड़ो, मन को कंट्रोल करने के पीछे मत भागो, वरना मन तुम पर अटैक कर देगा। मन को एकाग्र करने का सबसे बढ़िया सूत्र है कि मन को साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करो। आशीष कुमार मौर्य जी, आप 12वीं की पढ़ाई करते हैं, आपने कहा है कि CBSE में बोर्ड में ठीक थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। देखो भाई, उच्चाटन हुआ होगा आपके ऊपर, उसके लिए आप जो है 11 मंगलवार चोला चढ़वा दीजिए अपने नाम से बालाजी को, निश्चित रूप से कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव, ये स्वाति मोगे बहन है, ये कह रही है प्रणाम गुरुवर, मेरा सवाल गुरुवर जी की लड़की क्या आजीवन ठाकुर जी की सेवा करके कुमारी इस कलयुग में रह सकती है, समाज क्या इसे स्वीकृत करेगा? बेटी बिना विवाह किए ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानकर ठाकुर जी से ही पाणिग्रहण संस्कार पूर्ण करे, तो आपने कहा क्या ऐसा समाज स्वीकार करेगा? समाज कदापि स्वीकार नहीं करेगा, समाज अपनी धारणा से देखेगा, समाज की धारणा अदलती बदलती रहेगी। मीराबाई को भी स्वीकार नहीं किया, तो वर्तमान समय में तो जो मीराबाई आज से कई 100 साल पूर्व हुई और अब वर्तमान समय में तो ये बड़ा मुश्किल है स्वीकार करना। तो समाज के चक्कर से अगर आप ठाकुर जी को पा रहे हैं तो ये आप ये सोचना ही आपका व्यर्थ है कि समाज स्वीकार करेगा कि नहीं, बल्कि यहाँ आपका पूछना ये होना चाहिए कि ठाकुर जी स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो अगर आपको ऐसी दृढ़ता है
तो समाज को ध्यान ना दे करके अपने प्रियतम अपने प्रेमी श्री ठाकुर जी की तरफ आपको दृष्टिकोण रखना चाहिए। समाज का क्या, समाज तो आनी जानी है, समाज है जल नदी, वो बहती रहती है, कुछ भी बोलते रहते हैं समाज।